जसपुर के डॉक्टर की हत्या के विरोध में चंपावत, मसूरी और रुड़की जिला अस्पतालों के डॉक्टर ने आज कार्य बहिष्कार कर दिया। डॉक्टरों ने जहां गोली मारने वाले आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की है, वहीं अस्पताल के मुख्य गेट में तालाबंदी कर अपना आक्रोश जाहिर किया। कांड के कारण हमारा कार्य बहिष्कार चल रहा है, जिसमें ओपीडी सेवाएं और इमरजेंसी सेवाएं हमने बंद कर रखी और पोस्टमार्टम सेवाएं दी जाएंगी। ये मजबूरन हमें करना पड़ रहा है क्योंकि अभी तक इसका खुलासा नहीं हो पाया कि किनने मर्डर किया है, और वो जब गिरफ्त में आ जाएंगे तो प्रांतीय चिकित्सा सेवा जो कहेगा उसके अनुसार कार्रवाई। डॉक्टरों की इस हड़ताल से मरीज खासे परेशान रहे। बहुत परेशानी है यहाँ मरीजों को, बहुत मरीज परेशान है यहाँ पे, और जी यहाँ से हर वार्ड बन रहेगा फिलहाल, और मैं हजारे से आया हूँ। मेरे जो मरीज हैंगे वो बहुत परेशान है, दिक्कत में है। डॉक्टर तो कहीं मरा लेकिन पब्लिक यहाँ परेशान है, बहुत दूर दूर से यहाँ मरीज आए हुए हैं और मरीजों को बहुत परेशानी हो रही है यहाँ पे, कोई देखने वाला है नहीं, डॉक्टरों की हड़ताल चल रही है। यहाँ पर कोई कर्मचारी नहीं, सबकी हड़ताल हुई और मरीज भी सब परेशान है और हम भी परेशान हैं। कितनी दिक्कतों का सामना करना बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, इतनी दूर से गाँव में साधते हैं, हरियाणा का कोई नहीं मिल रहा। अस्पताल आज डॉक्टर को कल गोली मार दी गई थी, इसलिए डॉक्टर भी नहीं आए पाए। हम काफी दूर से आए हैं, आने जाने में दिक्कत होती है, मरीज को साथ लेके आओ फिर वापस चले जाओ, कुछ फायदा नहीं होता है। मरीज दवा लेने के लिए आए, कुछ नहीं मिला उनको, डॉक्टर भी नहीं मिले, इसलिए मरीजों को बहुत दिक्कत उठानी पड़ती है, पैदल आना पैदल जाना, बताओ कैसे वो काम चलेगा। रुड़की सिविल अस्पताल के गुस्साए डॉक्टरों ने ओपीडी के साथ साथ आकस्मिक सेवाएं भी बंद कर दी, जिसके कारण घायल लोगों को उपचार के लिए देहरादून जाना पड़ा। लक्सर के पास खरंजा गांव से आए दौड़ेयर, अब आप तो यहाँ देखा बंद, तो हम खुद कितने परेशान हो, हमें पता अपनी परेशानी का, खुद दर्द के बीमार हैं, हर सब हर इन चला जाता, पैदल आना पड़ता है, बीमार में कोई वहीं घर में खत्म हो जाता है, यहाँ आने का साधन नहीं है, ऐसे ही है, डॉक्टर भी नहीं है, हमारे गाँव में डॉक्टर होना चाहिए। डॉक्टर एस के सिंह को ओपीडी में आकर गोली मारी गई है और उनकी मौके पर डेथ हो गई, उसके विरोध में पूरे प्रदेश के अंदर केंद्रीय कार्यकारिणी देहरादून के द्वारा ये डिसीजन लिया गया है कि हम लोग टोटल स्ट्राइक करेंगे, जिसमें ओपीडी, इमरजेंसी, ब्लड बैंक, डिलीवरी सब बंद रहेंगी, और इंडेफिनिट स्ट्राइक कॉल की गई है, और 72 घंटे के अंदर अगर जो हमारी 3 प्रमुख मांगे हैं वो नहीं मानी जाती हैं तो पोस्टमार्टम भी बंद कर दिए जाएंगे। अभी तो आज शाम इंडेफिनिट स्ट्राइक है, लेकिन शाम तक प्रशासन से कोई वार्ता होती है तो शाम तक पता पड़ जाएगा हम लोगों को कि इसमें आगे हमने क्या स्ट्रेटेजी कर ली नहीं है। हैरत की बात तो ये है कि ब्लड बैंक में भी डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी और देर शाम तक मरीज चीखते चिल्लाते रहे, लेकिन उनके अस्पताल में मौजूद डॉक्टरों ने एक ना सुनी। बहुत दूर से आए हैं, 20-22 किलोमीटर गांव दूर से आए हैं, और क्या अब यहां आए हैं तो अस्पताल में तालाबंदी है, और अब हम कहां जाएं? मायने तो यही है कि जो मार के चले गए हैं उनकी जल्दी से गिरफ्तारी हो, डॉक्टर को सुरक्षा मिले, और जहाँ सी एस सी लेवल जाना है वहाँ पे कोई एक पुलिस चौकी बने।